हाँ जी नमस्कार, राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए ब्रह्मांड में जो गुरु राहु की युति बन रही है, जिसको शास्त्रकार चंडाल दोष के या चांडाल योग के नाम से जानते हैं। आपके कुंडली में योग कारक है, दोष कारक, इसकी चर्चा करेंगे। क्या लाभ क्या हानि आपको उठानी पड़ सकती है, कब से कब तक यह दोष ज़्यादा प्रभावी रहेगा और कौन कौन सी सावधानी रखनी होगी। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चित्रा, स्वाति, विशाखा तीन तीन नक्षत्रों की एनर्जी को लेकर चलने वाले आप लोग, मतलब मंगल, राहु और गुरु। राहु आपके कुंडली में, आपके सॉरी राशि में मिडिल पॉइंट पे है, ध्यातव्य रहे। राहु आपके राशि पे मिडिल पॉइंट पे है। आपके लगन में राहु, आपके पंचम भाव में राहु और आपके कुंडली में आपके भाग्य के घर में राहु। स्वाति नक्षत्र आपके राशि पे है, लगन पे है। सत्विशा नक्षत्र पंचम भाव में है और आर्द्रा नक्षत्र नवम भाव में है। तो राहु की माया प्रबल है और इसमें राहु स्वतः प्रबल है। तो राहु निश्चित रूप से गुरु की शक्ति को खींच लेगा और मनमानी करेगा। क्या करेगा? मनमानी करेगा। तुला लगन, तुला राशि की कुंडली में गुरु बहुत स्वभावों के कारकत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कुंडली में गुरु महाराज पराक्रमेश हैं और खष्टेश हैं। ऐसे पराक्रमेश और खष्टेश अस्त होके गुरु के मंगल की मेष राशि में राहु के साथ जाके त्रस्त होंगे। खष्टेश का अस्त होना कुछ मामलों में अच्छा है, लेकिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबा देता है। ऐसा नहीं है कि खष्टेश मजबूत रहता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, लड़ने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, संघर्ष शक्ति अच्छी होती है, लेकिन इसके कमज़ोर होते ही संघर्ष शक्ति क्षीण हो जाती है। सप्तम भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा है, भाव को बहुत ध्यान में रखिएगा। सप्तम भाव जीवन साथी के घर में गुरु क्या है? खष्टेश होके। खष्टम भाव क्या है? खष्टम भाव को अगर देखें तो छठवां घर बोलते हैं सौतन का। किसका बोलते हैं? सौतन का। एक्स्ट्रा संबंधों का बताते हैं। छठवां घर ऋण का है, रोग का है, मुकदमाबाजी का है, जेल का है। तो इस समय इस तरह की चीज़ें आपको ऋण, रोग, मुकदमाबाजी, जेल तक ले जा सकती हैं। तो कृपया सावधानी से कार्य करें, सावधानी पूर्वक कार्य करें, नहीं जेल दर्शन योग भी हो जाएगा। दांपत्य जीवन में अगर परेशानी आ रही है इसको बैठ कर सुलझाएं। किसी थर्ड आदमी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इस समय हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो गैपिंग है उसको भरने के लिए कोई तीसरा आदमी, मतलब तीसरा व्यक्ति उसमें इंटर मारने की कोशिश करे। राहु चंडाल में होता क्या है कि राहु गुरु की गरिमा का हरण कर लेता है। यह योग आपकी कुंडली में 21 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक बनेगा। 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक बनेगा, लेकिन 30 अक्टूबर तक पूरा फलदायी नहीं होगा। फलदायी यह 21 जून तक ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में ही राहु और गुरु महाराज का गोचर होगा। उसके बाद गुरु महाराज शुक्र के नक्षत्र भरणी में चले जाएंगे तो उतनी परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे राहु सप्तम भाव में सदैव सप्तम भाव को तोड़ने की कोशिश करते हैं। राहु बिल्कुल नहीं चाहता कि संबंध ठीक रहे, संबंध पवित्र रहे। संबंधों में इष्ट्रा व्यक्ति का प्रवेश राहु को आनंद आता है। तो गुरु चंडाल योग से यहाँ पे आपके मैरिज लाइफ में थर्ड आदमी का इन्वॉल्वमेंट या आपका थर्ड जगह इन्वॉल्वमेंट ऐसे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कृपया, कहते हैं ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, करेक्टर गया तो सब कुछ गया। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें, खाया पिया एक नहीं ग्लास टूटी नौ नौ, ऐसी कहानियाँ बनेंगी। सूर्य नारायण भी उच्च के होकर यहीं पर आएंगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हम बात सिर्फ कर रहे हैं गुरु राहु की। तो गुरु राहु में होता क्या है कि एक अच्छा व्यक्ति जिसके अंदर सुभत्व होता है, जिसके अंदर अच्छाई होती है, परिस्थितियां कुछ ऐसी क्रिएट होती हैं कि वो गलत करने पे मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पे गुरु पराक्रम का स्वभाव लेके, मेहनत का स्वभाव लेके अपने से पांचवें जा रहे हैं बेहतर करने के लिए।
लेकिन वहाँ राहु बैठा है, राहु उसको बदनाम कर देगा। राहु बोलेगा तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, गुरु की शक्ति को छीन लेगा और स्वतः को शंकराचार्य घोषित करके स्वतः मठाधीश बन जाएगा, जैसे आजकल महात्मा लोग करते हैं। जितने भी लोगों को आप देख लीजिए, दूसरों की सत्ता को छीन के बैठे हुए लोग हैं। राजीव दीक्षित की सत्ता को, राजीव दीक्षित के अधिकार को छीन के बैठे हुए बाबा रामदेव, ये जितने भी लोग बैठे हैं किसी न किसी के साथ, ये सब गुरु चंडाल योग वाले हैं, यही लोग हैं जो उनको साइड में करके, जो मेन व्यक्ति था उसको साइड में कर दिया गया। उन्होंने अपने जो उनके सहयोगी थे बालकृष्ण महाराज, नज़र आ रहे हैं कि आजकल मीडिया में, मीडिया इतना हावी ना होती हो सकता है वो भी साइड में हो गए होते। तो ऐसे ही होता है, जो राहु जनित लोग होते हैं वो अपने आप को फ्रंट पे लाते हैं, और कोई जिनको पकड़ के वो आगे बढ़े होते हैं उन्हीं का पैर काट देते हैं। यहाँ पे यह चांडाल योग, इसीलिए इसका नाम चांडाल कहा गया है। इसको चांडाल क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया कि जिसके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ोगे उसके कंधे में आप खंजर भोंपोगे, उसी को धोखा दोगे। गुरु की गुरुता जैसे आपको लगेगी कि ग्रहण कर सकते हैं, गुरु को ही शिष्य बनाने की कोशिश करोगे। खुद घर में आप कमाना शुरू करोगे तो खुद बाप बनने की कोशिश करोगे, जो पिता इतने दिन से पाला पोसा उसको भूल जाओगे। तो यह स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए खतरनाक है, आपके व्यवसाय में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपके साथ धोखाधड़ी होगी। समझौता सोच समझ के करिएगा, लेखन के कार्यों में आपके साथ धोखाधड़ी होगी, मित्र बंधु बांधव ही अपने लोग ही धोखा दे देंगे, और जीवन साथी से अपेक्षित प्यार अपेक्षित सहयोग में कमी हो जाएगी। गुरु आपके कुंडली में जिन जिन भावों के कारकत्व को लेके चलता है, उन भावों के कारकत्व में परेशानी आएगी। एक चीज़ है, यदि आपकी कुंडली में यहाँ पे राहु महाराज इस समय अत्यंत शुभ हुए, तो राहु आपके कुंडली में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु शुभ हुए तो, शुभ नहीं हुए तो ये बिगाड़ने की, इनको बिगाड़ने में मज़ा आता है, सातवें घर को बिगाड़ देंगे। बिगाड़ने के पश्चात धन देंगे, नए नए बिजनेस देंगे, क्योंकि लगन में स्वाति है, पंचम में सतविशा है और नवम में आर्द्रा है, तो तीनों नक्षत्रों की एनर्जी को बढ़ाने वाले हैं। तो आपका विकास तो होगा लेकिन दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा ह्रास होगा, दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि गुरु भी यहाँ बहुत अच्छा रोल अदा नहीं कर रहे हैं, गुरु खष्टेश है। तो कृपया गुरु की चीज़ों का दान करना शुरू करिए। पीले पौधे, केले के दो पौधे किसी मंदिर प्रांगण में लगा के आइए। प्रति बृहस्पतिवार को, गुरुवार को केले का दान करिए, केले का दान करिए, मंदिर में दान करके आइए। राहु के मंत्रों का जाप करिए, दुर्गा सप्तशती का मंत्र उठा लीजिए, ओम द्राम ध्रीम ध्रुम दुर्जटे पतनिम वाम भीम बूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, ये इस मंत्र का जाप करिए, तभी दाम्पत्य जीवन बचता हुआ प्रतीत हो रहा है, नहीं दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। या गुरु चांडाल योग आपके कुंडली में 21 जून तक कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट कर रहा है जिससे आपको सावधान रहना होगा। जो आंसू पोछने आएगा ना वो काजल निकाल के ले जाएगा, जो आंसू पोछने आएगा वो काजल भी निकाल कर ले जाएगा। पॉइंट को नोट करके रखिएगा, यह धोखा का योग है, गुरु चांडाल योग धोखे का योग है। शनि न्यायप्रिय हैं और शनि राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, अतः शनि की तृतीय दृष्टि गुरु पे राहु पे रहेगी। तो जब भी आपके साथ गलत होता हुआ आएगा तो इंट्यूशन पावर आपका बढ़ जाएगा, शुक्र को मजबूत करके रखेगा, सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। गुरु के मंत्रों का जाप करना है, गुरु की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना भी आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। सुख भाव का स्वामी है आपका शनि, तो शनि यदि मजबूत है कुंडली में तो ज़्यादा कुछ परेशानी तो नहीं आएगी। यदि शनि मजबूत नहीं है तो फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। गलतफहमी में मत रहिएगा, केस कोर्ट तक मत जाने दीजिएगा, घर में सुलझा लीजिएगा। वकील जो है ना, वकील का काम है केस को लंबा खींचना। मेरे मित्र वो बोलेगा 15 दिन में मैं कर दूंगा, और कब 15 साल निकल जाएंगे ना, कब 15 साल निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो घर की समस्याओं को घर में ही समझाएँ, सुलझाएँ, कोर्ट और थाने तक ना ले जाएँ। माता रानी आपको इतनी शक्ति दें कि आप परेशानी से दूर हो सकें। आपके लिए राधे राधे।